दोस्तों, फार्म हाउस का सपना तो सबका होता है, लेकिन हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐसा फार्म हाउस लेकर आया हूँ जहाँ आप लोग कभी भी कुकिंग करके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ आपको रूम्स, कैंपिंग टेंट्स एंड फूड सब कुछ मिलता है। वेज और नॉन वेज फूड का मजा एक रेस्टोरेंट की प्राइस में ले सकते हैं। और आज हम भी रावलफोर्ट फार्म में 20 क्वेल बर्ड्स की करी यानी बटेर बनवाएंगे, वो भी सिगड़ी पर। और आज रावलफोर्ट फार्म में देसी स्टाइल से थाली में रोटियां और बाटियां बिछवाकर खाएंगे। तो चलिए आज इस दावत का मजा लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं ना आया हूँ रावल फोर्ट में। रावल फोर्ट एक फार्म हाउस है और आज हम यहाँ पर क्यों आए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ आज हम बनवाने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी और रेस्टोरेंट्स में भी बहुत रेयर मिलेगी आपको। और वो रेसिपी क्या है वो आपने अभी इंट्रो में तो देख ही ली होगी। तो अंदर चलते हैं, बिशन जी से बात करते हैं और ये जो शांत माहौल है ना इसका भी मजा लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, मिलते हैं उनसे, बाकी की बातें अंदर करते हैं। कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पधारो, स्वागत है आपका एक बार फिर। धन्यवाद। तो दोस्तों देखो, ये है रावल फोर्ट और ये बिशन जी का फार्म हाउस है, एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि अब पर्सनल नहीं रही कतई भी है। तो क्या विजन है, क्या प्रॉपर्टी है ये? फार्म हाउस है, सबका फार्म हाउस है। जो अच्छा। भी एकांत चाहता है, अपनी फैमिली के साथ आराम से कुछ शांति के क्षण जीना चाहता है, आए यहाँ पे आराम से खाना ले, खुद कुक करना चाहे खुद कुक करे, हमसे यूटेंसिल ले, रॉ मटेरियल ले, बनाए खुद और एंजॉय करे, स्टे करे साथ में। और स्टेज के लिए कितने रूम्स हैं अभी अपने पास? सर स्टे के लिए मेरे पास 4 रूम है और 4 टेंट हैं, छोटे टेंट जो होते हैं वो है मेरे पास। मतलब देखो ये है ना, जयपुर में ही है फार्म हाउस, तो देखो सबका होता नहीं है। अगर आपका भी नहीं है तो अब से आपका ये फार्म हाउस है रावल फोर्ट, ठीक है? आप आओ, खुद बनाना चाहते हो खुद बना सकते हो, इनसे बनवाना चाहते हो कॉल करके, और जो भी बनवाना चाहते हो वेज और नॉन वेज दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा आराम से, आप दोनों चीज को एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल देसी तरीके से आपके लिए बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेवी पहले से बनी हुई उसको गर्म किया डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ बनेगा फ्रेश बनेगा, उसी में ही बनेगा। बहुत बढ़िया। तो आज भी हम कुछ फ्रेश बनाने वाले हैं ना, देखो मसाले वसाले भी आ रहे हैं पीछे से, तो यहाँ सेटअप लगाया है ना आज, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो मसाले लग गए यहाँ पे और ये संजय हैं और इन्होंने ये देखो सिगड़ी भी, मतलब हमेशा की तरह सिगड़ी पे ही बनेगा है ना। संजय नहीं है, संजय सरकार है। संजय सरकार, सरकार चलाता हमारी यहाँ। वैसे देखो यहाँ पे क्योंकि हमने जैसा कि बोला था ये पर्सनल जगह है, पर्सनल फार्म हाउस है, बट अभी इन्होंने इसको कमर्शियलाइज कर दिया है और आप भी यहाँ पे आ सकते हो, अपने मन पसंद की चीज बना भी सकते हो और बनवा भी सकते हो। संजय बहुत अच्छा खाना बना है ना, ट्रेन हो गया अभी, बहुत बहुत बढ़िया। हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं और हमने यहाँ पे एक ग्रीन मटन किया था है ना, हरा मांस। हरा मांस की हमारी डिलीवरी बहुत अच्छी है, मतलब उसके बाद काफी हमारे पास कॉल आ रहे हैं, रेगुलर हरा मांस जा रहा है यहाँ से, लोग आके पसंद करते हैं। बट हरे मांस में थोड़ा सा क्या है कि और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, आपको भी मालूम है उसको कुक करने में। और सर्दियां है ना, तो सर्दियों में लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीरी की भी डिमांड बहुत अच्छी है। तो आप सीरी पाया ये वो सब कुछ बना रहे हो ना? सब सर। बहुत। तो देखो सेटअप हमेशा की तरह रॉ, जो फील है ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी है, और यहाँ पे बैठेंगे यहीं पे बनवाएंगे। देखो मसाले सारे रख दिए इन्होंने, तो ये फार्म कोयल है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फार्म कोयल, फार्म कोयल, फार्म कोयल है। और ये भी सरसों के तेल में ही बनेगा ना? बिल्कुल सरसों के तेल बनेगा। आई गई और ये आ गया जी, देखो हमारा बर्तन भी, सिपरी आ गई, बहुत बढ़िया। और आज हम बना रहे हैं बटेर है ना, हिंदी में बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल बटेर बना रहे हैं, फार्मी बटेर बना रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे बनाते हुए। बहुत सही। और मैं अपने व्यूअर्स को भी एक बार दिखा दूं, देखो पीछे सिटिंग है एक, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक रजवाड़ा सिटिंग, यहाँ पर एक रजवाड़ा सिटिंग जस्ट हमारे पीछे है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे हमने आज लगवाया है सेटअप मसाले। सर क्या क्या मसाले हैं एक बार पूरा फील बता दो। बहुत ये सारा हमारा पिसाया मसाला, धनिया मिर्ची और जी हल्दी नमक और खड़ी मिर्च भी इसमें डलिए ना? बिल्कुल खड़ी मिर्च डलेगी। और तो ये तो हो गए मसाले और ये हो गए खड़े मसाले है ना? बिल्कुल, दरदरा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये प्याज। तो कितना किलो आज हम बना रहे हैं, क्या क्वांटिटी में? 20 क्विल बना रहे हैं हम, 20 क्विल सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो ये है पूरी तैयारी और अब लग चुका है सिगड़ी विगड़ी सब तैयार है। तो अब सर करें स्टार्ट अपनी? बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल पुट करेंगे हम इसमें। ये देखो जी, बहुत बढ़िया, मैंने कहा ना मूड में हूँ आज है ना। बहुत बढ़िया, तो हम भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे इसको। बिल्कुल, और कस्टमर्स को भी खिलाएंगे। अरे अभी मैंने देखा आपके फोन बज रहे थे, और ये वैसे भी वो रेस्टोरेंट तो है नहीं? नहीं बिल्कुल रेस्टोरेंट नहीं, फार्म, ये तो फार्म है। यहाँ मेरे यहाँ जो भी आ रहा है वो मेरा मेहमान है। सही बात है, ठीक है, और वो खुश होकर जाना चाहिए जब वो खाना खाए। बहुत बढ़िया। मतलब तो बटेरी क्यों सोची आज आपने, बटेर तो मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है ना, कितनी ठंड है कितनी धुंध पड़ रही है बताओ आजकल, पड़ रही नहीं। तो ठंड का मजा लेना है तो यार कुछ ऐसी चीज बनाए जिससे गर्मी हो, तो बटेर के मीट में बहुत गर्मी होती है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि बटेर का मीट खाना है वो भी सर्दी, मजा आ लगे सर। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, एंजॉय दैट रेसिपी। दोस्तों देखो अब ना ये हो गया गर्म और जो सुगंध आ रही है ना इसमें से उठ के, बहुत ही सही। और सिगड़ी पे पूरा जो है देखो पूरी मेकिंग सिगड़ी पे होगी।
होगी, बिल्कुल रॉ जिस तरह से फार्म हाउस में होनी चाहिए। और अभी देखो ये पूरे जो खड़े मसाले हैं विशन जी निकाल रहे हैं, काली मिर्च और बढ़िया इसमें है दालचीनी, तेज पत्ता और काली मिर्च जी। और ये आ गई अपनी इलायची, हरी इलायची और डोडे, और ये आ गया बड़ी इलायची। बहुत खूब, तेल क्योंकि ज्यादा गर्म हो गया है जी, तो पहले मैं गर्म मसाले नहीं डालूंगा, पहले मैं प्याज डालूंगा। सही बात है, नहीं तो जल जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, सारा मसाला, सारा गर्म मसाले जल जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है यार, खुले में बनाने का जो मजा है ना वो सच में उसकी कोई होड़ नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई होड़ नहीं। ये देखो दोस्तों, देखो नेचुरल एयर मिल रही है हाँ फूड को। और बोला भी जाता है ना सर कि अगर बिल्कुल खुले बर्तन में बनना चाहिए खाना, प्रकाश और हवा अगर नहीं जाए खाने में तो जहर के समान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साथ ही हम गरम मसाले डाल देंगे। अच्छा ये डाल दिए जी गरम मसाले, बहुत सही। तो जब मैंने देखा कि जब सिगड़ी आपने लगाई है ना तब ये खोल दिया था आपने। जी जी, इससे क्या एयर जाती है तो जल्दी हो जाती, हीट ज्यादा हो जाती है। अब क्योंकि हीट ज्यादा हो गई है आप देख रहे होंगे हाँ, है ना, तो हमें हीट कम करनी है। तो हम इसको क्या इस पैनल को बंद कर देंगे। ओके, क्या होगा, ये सिगड़ी का मैकेनिज्म है। बिल्कुल बिल्कुल, लोअर हाई फ्लेम वाला सिस्टम है सर। सही बात है, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी हो गया सिगड़ी के हिसाब से देखा जाए तो, बहुत सही आंच आ रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों वैसे देखो, अगर आप भी फार्म फील लेना चाहते हो, फार्म में आके अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ ये सब कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, तो यहाँ आ जाओ रावल फोर्ट। सारी जानकारी आपको वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी और भी बात करेंगे और क्या क्या है यहाँ पे, है ना। तो फैमिली आए सर, फैमिली आए, ये जगह फैमिली के लिए स्पेशल है। अच्छा, फैमिली आए, फैमिली यहाँ इंजॉय करे जी, ठीक है, पूरा दिन रहे यहाँ पे, रात स्टे करें यहाँ पर। और छोटी सी प्रॉपर्टी है बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा करें, ठीक है। मैंने फिर बताया आप मेरे मेहमान हो, मेरे आप कस्टमर नहीं हो। सही बात, ठीक है, मेरे को आपसे फीडबैक चाहिए। ठीक है, हाँ भाई संजय क्या लाया भाई। अरे वाह जी वाह, देखो दोस्तों ये सारी बटेर आ गई है ना थाली में, बढ़िया। तो अब हम इसको रखते हैं। तो सर ये नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, जैसे हमने ये प्याज व्याज तो कर लिए। अच्छा, मैरिनेट करेंगे हम, मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल, ओके, बहुत बढ़िया। और सर एक चीज और जी, कोई भी व्यक्ति बाहर से ट्रैवल कर रहा है जी, उसको लग रहा है कि जयपुर पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, 11 बजे से ज्यादा का समय हो सकता है, वो हमें कॉल करे, एडवांस उसका ऑर्डर बताए, क्या उनका ऑर्डर बताए, क्या ऑर्डर है उनका जी, हम उनको खाना खिलाएंगे। एक बार फिर सर ये बता दो, जो हाईवे लगता है ना ये कौन सा, अजमेर रोड से, मतलब जयपुर अजमेर हाईवे से जी 900 मीटर अंदर है। अच्छा, जेके पथ लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी से 900 मीटर अंदर, तो दोनों तरफ से 900 मीटर है। तो मतलब कोई जयपुर से अजमेर वाले रूट पे है, हाँ, दिल्ली जा रहा है या कहीं और बाईपास हो रहा है, दिल्ली से जोधपुर जा रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जी, या फिर उदयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं बीच में आऊंगा। बीच में पड़ेगा ये, बिल्कुल ना? बीच में आऊंगा। तो यहाँ रुक के आराम से जयपुर में आऊंगा मैं उनके लिए, उनको खाना खिलाऊंगा। अगर वो लेट हो रहे हैं तो पहले फोन कर। क्या ये जो फील है ना, पहले इसको एंजॉय करते हैं। बहुत सही। अब जी सर मैरिनेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों देखो ये है जी क्वेल, मैं आपको दिखा दूं। सर एक बार थोड़ा सा क्वेल के बारे में बताइए ना। सर बेसिकली ये पहले ओनली जंगली हुआ करता था जी, अब इसकी फार्मिंग होने लगी है जी। इसकी अगर ब्रीड की हम बात करते हैं तो ये जापानी क्विल होती है। अच्छा, ठीक है, जिसकी ब्रीडिंग हो चुकी है, होती है। जंगली क्विल होती है ना, उसको आप फार्मिंग में नहीं रख सकते। अच्छा, मतलब जंगली क्विल बनाना तो गैर कानूनी, वो गैर कानूनी है ना। वो तो नहीं, जो फार्म बटेर है, फार्म क्विल्स हैं, यही बना सकते। बिल्कुल, ओके, है ना, 150-200 ग्राम ही वजन होता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो इस पे आप पहले अभी कट लगा रहे हो, कट लगाने के बाद अपन नमक लहसुन अदरक से मैरिनेट करें। ठीक है, तो मसाला बना लेते हैं जी सर। ठीक है, प्रोसेस लगभग मसाले का सेम ही है। तो दोस्तों देखो कट लगा लिए थे क्वेल पे, अब हम ये मसाला बना रहे हैं। और मसाले में सबसे पहले हम ले रहे हैं मिर्ची। बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। कितना लिया है सर हमने, जैसे 20 क्वेल बना रहे हैं हम, तो इसमें कितनी मिर्ची ली है सर? 6 स्पून मैंने मिर्ची ली है इसके अंदर। ठीक है, लगभग 1 स्पून इसमें मैंने हल्दी ली। ओके, और अब धनिया डाल रहे 5 स्पून धनिया लेंगे। ये देखो दोस्तों, बहुत, तो ये हो गया मसाला। और ये नमक, अब नमक तकरीबन 1.5 चम्मच। बिल्कुल 1.5 चम्मच, स्वाद अनुसार, किसी को ज्यादा करना ज्यादा करें जी। ये देखो प्याज भी संभाले जा रहे हैं साथ में क्वेल और ये बाकी मसाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसमें अपन ये दही है जी, इसी मसाले में डालेंगे हम। क्या बात है जी, ये डाल दी दही। तो आप तो अक्सर यही बनाते होंगे सारा? हाँ हाँ, है ना। और क्या बात है दोस्तों, देखो ये अब बन रहा है, दही डाला हमने इसमें और दही में इसको फेटा जा रहा है। पहले देखो ये पेस्ट बना लिया, बढ़िया, बहुत से। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लहसुन डाल रहे हो? लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, मिक्स है ये दोनों। थोड़ा इसमें पानी पुट करेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा हो गया। अच्छा, बाकी ना फार्म हाउस पे और कितनी शांति है ना सर यहाँ। बिल्कुल सर, देखो आप शहर के अंदर बैठे हो हाँ, लेकिन शांति देखो कितनी शांति है ना, इससे बेटर कुछ हो सकता है? बिल्कुल सही बोला आपने, मतलब वहाँ पे सिगड़ी में हमारे प्याज का जो आवाज आ रही है ना वो भी आ रही है। ये अब हम इसमें साबुत मिर्च डालेंगे।
साबुत लाल मिर्च, प्याज की सुगंध बहुत बढ़िया आ रही है सर, है भूख लग रही है अभी से ही। बहुत सही। और अब क्या करेंगे सर? इस मसाले में बटेर को मैरिनेट करेंगे सर हम, थोड़ा इसको बड़े बर्तन में लेना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैरिनेट मिक्स करने के लिए। बिल्कुल। तो ये संजय जी ले आए बर्तन, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये देखो आ गया भगोना, ये सारा इसमें डाल दीजिए। आपने हैंड वॉश किए ना आराम से साबुन से? बहुत साफ सफाई से, हाइजीन का ध्यान रखना आपने हमेशा ना। तो दोस्तों देखो ये क्वेल ये डाल दिया देखो इसमें, बहुत बढ़िया। ये देखो यार, ठीक है। अब ये जो सारा मसाला है जी, हम इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे, क्या बात है जी दोस्तों। ये देखो संजय जी, मसाज कर दो अभी इसकी थोड़ी। कीजिए संजय जी मसाज। ये अब डाल दिया, अब इसको पूरा अच्छे से मैरिनेट किया जा रहा है। अच्छे से संजय जी इसको मैरिनेट कर रहे हैं, और इसको तकरीबन सर आपने बोला 10-15 मिनट पूरा करेंगे। तो सर अब डालते हैं प्याज, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो अब ये क्वेल जा रही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है यार। ये देखो 20 क्वेल्स एक साथ आ जा रहा है सर, मजा यहाँ पे पूरा फील आ रहा है फार्म वाला। अरे हमेशा ही मजा आता है। नहीं हाँ मजा तो देखो खैर हमेशा ही आता है, बट आज थोड़ा अलग और अच्छा फील हो रहा है। मैं सुबह से मूड में हूं, और शायद इसलिए भी क्योंकि अब मेरे को बहुत टाइम हो गया था आए हुए, है ना। यस यस यस, काफी टाइम हो गया आपको आए हुए। ये फील बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ ना मैं, और वो भी नॉन वेज के लिए। अभी मैंने बीच में कवर किए थे कुछ, ओके, बट वहाँ सब फार्म्स में हमने वेज बनवाया। किसी दिन वेज भी करेंगे सर, हल्दी की सब्जी बनाते हैं हम। अरे वाह, ठीक है इसी सीजन में करेंगे, बोलो कब करना है। कम सर, दिख रहा है हल्दी की सब्जी और मक्के की बाटी, इतना रिच फूड है ना, मजा आ जाएगा। आप जल्दी करेंगे, सब भूल जाओगे आप, जल्दी करेंगे खाने की। और क्या गर्मी सर, मतलब वो हल्दी आपको ना पूरे साल काम आएगी क्या, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हल्दी की सब्जी बहुत चलती है राजस्थान में, सूखी हल्दी की और बाटी के साथ में बहुत सही। ये जरूर करवाएंगे हम विशन जी से जल्दी, और आप लोग भी कमेंट करो कौन कौन वो रेसिपी देखना चाहता है। ज्यादा कमेंट आएंगे तो ज्यादा जल्दी करेंगे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया, क्योंकि सिगड़ी की मेकिंग है, समय लगेगा, लेकिन जो स्लो कुकिंग में आपको स्वाद मिलता है ना, क्या बोलते हो सर, बहुत मजा आता है ना, मजा आ जाता है फिर। बिल्कुल। तो सर ये तो जैसे बटेर का साइज बहुत छोटा होता है ना, और ये अभी 20 हमने एक साथ डाल दी, तो ये जब अपन इसको चलाएंगे तो ये चिकन की तरह टूट जाती है या कैसे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो वो कॉन्सेप्ट चिकन में ही रहता है, क्योंकि उसका मीट बड़ा सॉफ्ट होता है। ये थोड़ा सा इसका जो मीट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। अच्छा। जल्दी से ये नहीं टूट, जिस तरीके से चिकन टूट जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये साबुत रहेगी इसके अंदर, तो थोड़ा सा यू नो प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी, आपको खाने में भी मजा। बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से थोड़ा कम चम्मच कम चले तो ज्यादा ठीक रहेगा, ये टूटेगा नहीं। अच्छा, मतलब चिकन की तरह बिखरेगा नहीं? नहीं चिकन अगर बिखरे तो इसको बनने में समय भी इससे चिकन से ज्यादा लगता है। लगता सर, डबल समय लगेगा मान लीजिए। अच्छा क्या बात है दोस्तों, ये देखो बहुत बढ़िया। तो सर खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है। अरे सर बड़े बन से बनाई है। आपको बार बार बोल रहा हूँ, सुबह से मूड में हूँ, और जब मूड में होते हैं तो चीज बहुत बढ़िया बनाते हैं। सही बात है, मूड में आज आप लग भी रहे हो। लेकिन जब भी नॉनवेज पकाता हूँ मैं मूड में ही रहता हूँ सर। होना भी चाहिए, तो पकेगा ही नहीं ढंग से। हाँ नहीं पकेगा ढंग से, सीरियसली। क्या जिस दिन मेरा मूड नहीं होता ना सर, उस दिन मैं कुकिंग नहीं करता हूँ। तो सर अभी मेरे को आप ये बताओ, जैसे आपको ये कितना टाइम हो गया सर ये फार्म हाउस पे? सर देखिए ये फार्म हाउस वैसे तो 2017 से है जी, ठीक है, लेकिन हमने इसको कमर्शियल किया जनवरी, मतलब ये महीना एक साल हो गया कंप्लीट हमें। एक साल हो गया आपको? जी जी। तो अभी तक आपने यहाँ पे क्या क्या किया है, मतलब ये मैं इसको एज अ रेस्टोरेंट मानूँ कि कोई भी कभी भी आ सकता है, या इसको पर्सनलाइज्ड एक फार्म मानूँ जहाँ पे सिर्फ कॉल करके जाया जा सकता सर, है? सर देखिए यहाँ पे जो भी आए ना वो फोन करके आए सर। अच्छा, पहले से अपना मतलब स्लॉट बुक करा के आए जी, आपको भी सुविधा रहेगी जी और हमें भी सुविधा रहेगी। कारण क्या सर, ये रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि आप आए मैंने बोला 15 मिनट में मेरे को मटन चाहिए, पॉसिबल नहीं है। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि मटन तो प्रोसेस जो टाइम है उसका, जो 2 घंटा 2.5 घंटा जो टाइम उसको लगता है उतना ही टाइम पूरा लगेगा। आप पहले से बता दोगे कि मेरे लिए 1 किलो बनाना है, 2 किलो बनाना है। इवन ऐसा नहीं कि हम बना के नहीं रखते, थोड़ा सा हम लाइक जो भी क्वांटिटी आती है उससे प्लस करके ही रखते हैं, लेकिन जो भी आएगा वो फोन करके आए, अदरवाइज खाना शायद नहीं मिले। अच्छा, ये दोस्तों देखो यहाँ पे ये तो बनी रही है, और इसको सर कितनी देर अपन रखेंगे ऐसे ही, और कुछ एडिशन है क्या इसमें अभी? नहीं अब कुछ ही एडिशन नहीं, बस जो डालना था वो डल चुका। हाँ, मैं आपको बाटी भी सर्व करूंगा, उसके लिए थोड़ी सी ग्रेवी, उसके लिए तो ग्रेवी चाहिए, या फिर इसी से काम चला लोगे बता। आप मेरे को एक बार ये जो ग्रेवी है ना एक बार निकाल के एक बार दिखाइए, कंसिस्टेंसी मेरे को लग रहा है कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये वाली, एक बार ये टूटेगी अभी और। अच्छा, ये थोड़ी और वो हो जाएगी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। वैसे तो सर आप कैसे ही खिला लो, जो माहौल है ना बाटी के साथ रोटी के साथ, मजा आ जाएगा। कोयल मतलब जो खुशबू आ रही है ना ये बहुत बढ़िया आ रही है।
आशीष जी आप देख रहे होंगे जी कि हमारे पास एट प्रेजेंट 5 टेबल है। बिल्कुल सर, ठीक है। और 5 टेबल पे लगभग एक टेबल पे 8, बिल्कुल, और छोटी वाली पे 4-4 आ जाते हैं। हमने ज्यादा यहाँ भीड़ नहीं कर रखी जी, मैं ज्यादा टेबल लगाना चाहूंगा तो स्पेस मेरे पास बहुत सारा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ बैठा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि कम लोग आए जी और वो अपने स्पेस को इंजॉय करें और जाए और खुश रहे। सही, मतलब अच्छा क्राउड चाहिए, ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्राउड अच्छा चाहिए, क्वालिटी क्राउड चाहिए और वो हमसे खुश होकर जाए और हम उनसे खुश रहे। तो सर थोड़ा सा जी सर अच्छी तरीके से भुन गया है। हाँ जी, सारे मसाले अब्जॉर्ब हो गए, ले लिया इन्होंने, अब इसे हम ढकेंगे। जी जी सर जी, 15 मिनट बाद हमारी रेसिपी कंप्लीट रेडी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बाकी फील है, मतलब मजा तो है यार, क्योंकि देखो हर कोई ना अपने लिए एक पर्सनलाइज जगह ढूंढता है, हम भी ढूंढते हैं। जब चार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब देखते हैं कि यार किसके घर पे सिगड़ी लगाई तो फिर क्या है, मेरे घर पे यार मम्मी मना करेगी, यार आज पापा घर पे हैं, तो वो होता ही है। हाँ, तो यहाँ नहीं ना, यहाँ नहीं है तो अब आपके लिए भी है। कोई मना नहीं कर रहा, आराम सिगड़ी जलाइए और मतलब अपने आप को सेकिए, साथ में खाना भी बनाइए, समझ गए, खाना भी सेको, खुद को भी सेको, बढ़िया मजे करो, सही जगह मिल गई अपन को ये, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये तो हो गया सर, है ना, सारी बात खाने की और बाकी चीजों की। ये यहाँ क्या कर रही है, क्या सर ये, और हैवी है तो। हाँ, हैवी है सर, NX 200 राइफल है सर, राइफल एयर गन है सर ये। अच्छा, 0.77 कैलिबर। तो ये शौक रखते हैं आप ऐसा? हाँ बिल्कुल, एम शूटिंग का शौक है। टारगेट प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे? हाँ, टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। देखो ना, आप सामने छोटी सी रेंज बना रखी है, बाहर भी बड़ी रेंज बना रखी है, आप चाहते हो तो बाहर भी शूट कर सकते हैं, आप चाहते हो तो यहाँ भी शूट कर पाएंगे। तो यहाँ वो जो कैन रखा हुआ है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, क्या दिक्कत। करें सर फिर, एक दिखाइए थोड़ा नमूना। तो दोस्तों देखो, ये तो टारगेट रख दिया हमने, इसको शूट करते हैं। चलिए सर, क्या बात है सर, हाँ शानदार सीधा टारगेट पे छोटी सी दूरी है इसमें क्या टारगेट है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया। हाँ, अभी हम भी ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल ट्राई करिए ना सर प्रैक्टिस करते करते आप भी ट्रेंड हो जाओगे, बाकी मेरा शौक है बचपन से। बहुत बढ़िया, बाकी टारगेट की हालत देखते हैं क्या हुई है। ये देखो यार, ठीक है, आर पार हो गया ये तो बहुत सही। चलो अब हम भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, हमसे लगता है कि नहीं। देखो अभी एक ही छेद है इस पे, ठीक है, दूसरा हुआ तो हमारा, नहीं हुआ तो ठीक है चलो जी ओके, अब अनलॉक हो गई, अनलॉक हो गई, लोडेड है, बिल्कुल लोडेड है, ग्रेट। अगर लग गई होगी ना तो मतलब कॉलर ऊपर कर लूंगा अपनी वैसे मेरे ख्याल से छू के निकल गई शायद, नहीं 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 नीचे लगी है, नीचे लगी है, बट साइड से निकल गई है ना। ये देखो दोनों साइड में है, तो साइड से निकल गई लेकिन लग गई है फाइनली फाइनली तो चलो वैसे हम बाकी एक्टिविटीज में लग गए थे, तो ये सर हो गया होगा वैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया है ना, बढ़िया। इसको तो यहाँ रख देते हैं। आइए जी, अब हम देख लेते हैं हमारी बटेर का क्या हाल है, क्वेल करी हमारी कहाँ तक पहुंची। क्या बात है, कंप्लीट है सर, कंप्लीट है। बाकी सर जो सुगंध आ रही है ना, इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है, फील तो आपने देख ही लिया है ना। और ये देखो करी में रोगन आ गया है, शानदार शानदार लग रही है, जबरदस्त। सर एक पीस उठा के दिखाइए ना, ये देखो, ये देखिए सर, ये पूरा पीस है, सी बहुत बढ़िया। क्वेल करी जिसको बटेर बोला जाता है, आज हमने वो की है, राहुल फोर्ट में की है, और आज हम इसको बाटी के साथ खाएं। बिल्कुल है ना, बाटी और रोटी दोनों का अरेंजमेंट है। और बाकी आपने शुरुआत में बोला था आप टेंट्स, जो कैंपिंग टेंट्स होते हैं, उसका क्या यूज है यहाँ पे, मतलब क्या फील है सर? आइए दिखाते हैं आपको, चलिए विजिट कर। तो देखो दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज आपने देखी होंगी अभी जो हमने की, कुकिंग की है ना, आउटडोर कुकिंग बहुत ही बढ़िया, सेल्फ कुकिंग जिसको बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस तो आप ले ही सकते हो, फैमिली के साथ आ रहे हो बनवा भी सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो है ना, और रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो टेंट्स आपने कहा ऊपर छत पर लगाए? ऊपर रूफटॉप पे है। तो ये है मतलब ये टेंट हमारा, छोटा सा कॉम्पैक्ट टेंट। क्या बात है, तो ये टेंट का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है यहाँ? सर एक दिन यहाँ पार्टी थी। अच्छा, और उस दिन क्या कि रुकने वाले लोग ज्यादा थे। okay. ठीक है, तो रूम तो मैं नहीं बना सकता, मेरे पास तो लिमिटेड रूम था, मैंने कहा चलो टेंट लिया। अच्छा। तो टेंट लेके आए, तो हमारे पास 4 टेंट है, तो नीचे जो रूम में लोग थे उनसे ज्यादा इन्होंने अपनी रात को एंजॉय किया। अच्छा, टेंट वालों ने, टेंट वालों ने, क्योंकि गुलाबी ठंड में सो रहे थे, इन्होंने एंजॉय किया। क्या बात है, ठीक है, छोटा सा टेंट है, आपको दिखाता हूँ। देखो वैसे टेंट का फील अलग है, सही बोला। बिल्कुल सर, सर लोग टेंट में रुकने के लिए जैसलमेर जाते हैं। सही बात, जाते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, आप
अपना नजर घुमाओ, पूरा जो ये एरिया है ना पूरा देखो आप, अभी भी ये आउटर है लेकिन जयपुर से बहुत करीब है, जयपुर में ही है खैर, है ना, और पिंक पर्ल से भी बहुत पास में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शांति, बहुत ही सही है, बढ़िया परफेक्टली, और 7x7 का स्पेस है इसमें, ठीक है, 3 लोग आराम से सो सकते हैं इसके अंदर, 3 लोग आ सकते हैं। मैं भी अभी गया था, मैं जैसलमेर रुक के आया था अभी, जी जी, मजा आता है, मतलब ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, सीरियसली है ना। अच्छा, टेंट में भी हमारे पास एक टेंट और हमने बना रखा जिसका नाम हमने हनीमून टेंट बना रखा जी, उसमें क्या पूरा रेड कलर का पूरा कंप्लीट सेट लगाते हैं जिसमें कपल आते हैं, कपल आते हैं तो देते हो, बिल्कुल, देखो यार न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं वो आते हैं, है ना, आपके पास व्यवस्था है तो आप एक्सपीरियंस तो दे ही सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो फाइनली सर कंप्लीट रेडी यार, रोगन देखो यार शानदार, और बिल्कुल ड्राई बनाया है आशीष जी, देखो ड्राई बनाया, बिल्कुल ड्राई, लेकिन है इतनी ग्रेवी की अपना बाटी वाटी का हो जाएगा, नहीं बस बस टन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात है दोस्तों, देखो रंगत मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर, बिल्कुल जोरदार बटेरा कोयल करी, बिल्कुल तैयार। आशीष जी अब गार्निश करते हैं, बहुत मुंह में पानी आ रहा है यार, बहुत सीरियसली जो खुशबू आ रही है ना दोस्तों इतना सही, सच में मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल देसी तरीके से खिलाएंगे आज आप, मैंने बताया ना आज मूड में वो बाउल वाउल नहीं होगी, बस थाली में रोटी बिछेगी और रोटी के ऊपर ही आएगी आपको, बिल्कुल देसी तरीके, और चूर के जिमो है, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल, बिल्कुल चूर के जिमो, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये आ गई रोटियां अपनी, ये देखो इस पे ही आ गया क्वेल बटेर हमारी शानदार, देखो बिल्कुल सिगड़ी पे पकी हुई पूरी मेकिंग सिगड़ी की, और ये देखो ये आ गई है, मजा राजस्थान का आ रहा है फील। कमेंट करो किस किस को इस तरीके से यहाँ पे क्वेल करी खानी है, राहुल फोर्ट में जयपुर राजस्थान में, बहुत ही बढ़िया। सी द प्रिपरेशन गाइस, जैसे होता है ना राजे रजवाड़ों में, बिल्कुल एक थाली होती है उस पे 4 देखो रोटियां बिछी हुई हैं, तुरंत निकाली सीधा डाली, कोई कटोरी कुछ नहीं, और ये देखो बाटी के साथ में सर्व किया है, बहुत ही शानदार, मजा आ गया सर, सच में मजा आ गया, मेरे को मजा आ रहा है, सुबह से ही मजा आ रहा है सर आज। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और देखो आज तो ताव लगाना पड़ेगा, पास में बंदूक भी पड़ी है। ठीक है, देखो आज हमने ना क्वेल करी बनवाई है, वो भी रावल फोर्ट में, और रावल फोर्ट हालांकि हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन आज जो हमने रेसिपी की है ना इससे पहले नहीं की थी, और ये जो रेसिपी है बहुत रेयर ही आपको किसी रेस्टोरेंट में मिलेगी या कहीं और मिलेगी, क्योंकि ये है क्वेल, ये है बटेर, ठीक है, ये फार्म बटेर है, लेकिन इसका जो फील है ना ये हर कोई नहीं बनाता, सर्दियों में बहुत खाया जाता लेकिन शौकीन लोग ही खाते हैं, ठीक है, तो आज हम एक शौकीन के पास आए हैं, है ना, विशन जी के पास, और उन्होंने ये बहुत ही सही स्टाइल से अपनी देसी स्टाइल से बनाई है, ये देखो पीसेस देखो यार आप, और तकरीबन 1.5 घंटे की मेकिंग थी, उस 1.5 घंटे में हमने यहाँ आपको फार्म भी दिखाया सारी चीजें, अब ज्यादा देर नहीं करके ना पहले मैं आपको इसकी रंगत तो दिखा ही दिया, छोटा सा बर्ड है ना, और पकने के बाद में देखो किस हद तक पक गया ये है, देखो अलग हो रहा है बिल्कुल, तो इसको तो पहले ना ऐसे ही खा करके देखते हैं, लेग पीस था ये फिनिश, ठीक है, इसीलिए क्वेल जब खाने बैठता है ना कोई तो 2 से 3 या 4 क्वेल तक खा लेते हैं लोग अकेले, और सबसे पहली चीज आ रही आप ये देखो जो इन्होंने प्रिपरेशन दी है ना, राजस्थान में ये तरीका होता है खाने का, जो देसी चीजों को समझते हैं, जो फील को समझते हैं, 4 रोटियां 5 रोटियां थाली में रखो, कोई कटोरी नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट इस पे डालो, चाहे वो मटन हो चाहे क्वेल करी जैसे हमने आज इस पे डाली है, और ये देखो जब रोटी इस पे जस्प हो जाती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये फील देखो यार, पूरी जो ग्रेवी है ना जस्प हो गई है इसके अंदर, अब मैं चाहूँ ना चाहे इसको रोल बना के ही खा लूँ, है ना, एक बाइट तो ले ही लेता हूँ, अब उठाई है तो ये देखो यार जो ग्रेवी बनी है ना यार, सीरियसली इतनी शानदार, मजा आ गया भीषण जी, बहुत बहुत शानदार बनी है। अब ये देखो ये एक तंदुरुस्त पीस उठाया मैंने, देखो इसका जो टेस्ट होता है ना, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कोई भी बर्ड अगर आप खाते हो चाहे वो चिकन हो फिर चाहे यही क्यों ना हो, लगभग सेम सा टेस्ट करता है, टेस्ट में इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन जो आप ग्रेवी बनाते हो ना सारा खेल उसी का ही होता है। ये देखो ये निकाला,
अलग क्या होता है वो मैं बताता हूँ। टेस्ट तो सेम होता है लेकिन अलग ये चीज होती है, इसको ज्यादातर सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। जब आप इसको खाते हो ना तो गर्मी बहुत आ जाती है शरीर में और ये इसकी खासियत होती है, इसलिए सर्दियों में खाई जाती है। और इसीलिए आज विशन जी ने बनाया था और 20 क्वेल बनाई है क्योंकि हम तीन लोग हैं, शायद तीन लोग ही निपटा देंगे, 20 को तो नहीं, कोशिश पूरी रहेगी है ना। मूड में आज तो सब। बाकी देखो अब मैं ना इसको चूर के खाऊंगा। मैंने आपको फील दिखा दिया, एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखो छोटा बर्ड है, छोटी सी होती है, बहुत अच्छे से पक गई है, ये देखो किस हद तक पक गई है। और अब मैं ना ये रोटी जो हमने आधी खाई थी इसको लिया, ये देखो इस तरह से चूरा इसमें ही। देखो यार ये है फील रावल फोर्ट का। और रावल फोर्ट देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी हमने बात की कि रावल फोर्ट एक फार्म हाउस है, एक प्राइवेट फार्म हाउस है जो विशन जी का है। लेकिन विशन जी आपको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ आ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, खुद का फार्म हाउस समझ के, तो आप यहाँ आ सकते हो। आपको सिगड़ी, बर्तन और मीट जो भी आप बनाना चाहते हो आप इनसे पहले कह सकते हो। तो सारी व्यवस्था करके रखेंगे, जैसे अपन यार दोस्त गोट करते हैं ना, पार्टी करना चाहते हैं, आप यहाँ आइए, ये आपको सारी सर्विस देंगे। उसके अलावा एक होता है कि आपको यहाँ आना है, आप चाहते हो ये सारी सर्विस आपको दें, मतलब सब कुछ बना करके रखे, तो आप, क्योंकि ये कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट पे है जिसमें आप पहले इनको कॉल करोगे तो ये आपके लिए सारी व्यवस्था करके रखेंगे, फ्रेश बनाएंगे। ये इनके साथ ऐसा नहीं कि ये बनी रखी है, आप आ रहे हो और आपको मिल रहे हैं, आप पहले कॉल कीजिए, ये आपको बना करके देंगे फ्रेश और आप पूरा मजा ले सकते हो, जैसे आज हम ये ले रहे हैं। अब देखो ये पूरा मैंने, देखो सी दिस इज माय बाइट, पूरा जो क्वेल है वो भी इसमें आ गया है, ग्रेवी जस्ट हो गई है। लेट्स हैव अ टेस्ट। सर ये जो चीज खिलाई है ना आपने आज, बकायदा है यार। और हर एक मसाला जो आवाज सुन रहे हो पक्षियों की, मतलब जयपुर शहर में है, जयपुर शहर में भी एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, जहाँ पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हो। देखो अब रोटी तो हमने खा ली, अब बाटी का फील लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने ये बाटी भी सर्व की है, और मैं यहाँ पे दो बार पहले भी आया हूँ है ना, हमने यहाँ पे हरा मांस भी कवर किया था जो कि बहुत ही शानदार बना था, बहुत ही बढ़िया, वो वीडियो भी आप हमारी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में ही है इनका ये रावल फोर्ट, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप गूगल लोकेशन लगा के भी इजिली आ सकते हैं, हम भी गूगल लोकेशन से आए। और बाकी बाटी का मैंने एक और देखो ये बना लिया है बहुत ही अच्छे से, और ये लेते हैं अंत है भाई सब। इसके आगे तो और क्या ही टेस्ट की आप कल्पना कर सकते हो। टाइमिंग्स लगे 11 से 11 बजे तक का इनका टाइमिंग होता है, तो सुबह 11 से शाम को 11, रात को 11 तक आप यहाँ पे आ सकते हो इजीली, आपको चीजें मुहैया हो जाएंगी। बट एक चीज आप ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कॉल करके आना, क्योंकि अगर आप कॉल करके आओगे तो ही सारी व्यवस्था आपके लिए दुरुस्त होगी, ये सब कुछ व्यवस्था करके रखेंगे। ऐसी जगह भी होनी चाहिए ना, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जाके भी आदमी बोर हो जाता है, ऐसा फील भी होना चाहिए, फार्म फील, कस्टमाइज फार्म फील है ना आपका, जब आप आओगे तो आपका खुद का फार्म, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारा है। बाकी टेस्ट लाजवाब टेस्ट है यार। और इसकी जो प्राइस है ना वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये फुल पोर्शन है जिसमें चार पूरी पूरी क्वेल्स आती हैं, ठीक है, और दो तीन जने आराम से मिलकर के खा सकते हैं। और इस जगह पे अभी, क्योंकि मैंने इसको खा लिया है बाटी के साथ भी और रोटी के साथ भी, तो इसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है ये खाकर, फार्म फील, सिगड़ी की मेकिंग, और क्या चाहिए, दिन बन गया वाली बात हो गई। और मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करता हूँ कुछ यूनिक लाऊं, तो देखो इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया एग्जैक्टली कहां पर है। और दोस्तों हम हमारी वीडियोस यूट्यूब पे तो डालते हैं जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टा और फेसबुक पे भी डालते हैं, तो इंस्टा पे आपको रील मिल जाती है, फेसबुक पे कुछ दिनों बाद आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाती है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज www.virtualbanjara.com। आप हमारी कवर की हुई जगहों से रिलेटेड डिटेल में अगर ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो बाकी तो मैंने सब आपको बता ही दिया, टेस्ट तो लाजवाब है ही, अब मैं इसको लपेट के खा लेता हूँ। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।